तो बच्चों लोग लास्ट क्लास में लोग रॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना सीखे हो उसका एप्लीकेशन क्या क्या करना है, ठीक है। तो टॉपिक अपना रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ध्यान देना, सिंपल सा बात है कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन का अगर कहीं भी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट का मतलब आपको आगे समझ में आएगा, तो हम लोग पहले इसको पहले आगे कवर करते हैं, फिर स्टेटमेंट का मतलब आपको समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना कि ऑक्सीडेशन किसको बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग जो जूनियर क्लास में पढ़े हुए हैं, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर बोला गया है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी जब इस इनको ऑक्सीडेशन बोला गया है, या तो ऑक्सीजन को आप ऐड करो, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप ऐड करो, या तो आप हाइड्रोजन को हटाओ, या तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को आप हटाओ, ठीक है। इनको बोला गया है ऑक्सीडेशन, ठीक है, इन सबको बोला गया है ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल देना ना, Mg+O2 में जब MgO बनेगा, Mg में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, Mg जब O में जाएगा तो क्या MgO में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या होगा Mg का ऑक्सीडेशन होगा। वहीं देखोगे O2 में, तो O2 में Mg ऐड हो रहा है, और Mg कैसा एलिमेंट है, Mg एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सिमिलर ध्यान देना, CH4 में जो CH4 से देखो, CH4 में जो कंबर्शन करेंगे तो CH4 जाएगा CO2 में। इस प्रोसेस में कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है, कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कार्बन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कार्बन CH4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। वही क्या हो रहा है, जितना क्लियर रहेगा। और जो O2 है, O2 में क्या हो रहा है, O2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो O2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑकर कर रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑकर कर रहा है। तो O2 का O2 क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, ठीक। तो ध्यान देना, तो ऑक्सीडेशन का मतलब आपको समझ में आ चुका है, ऑक्सीडेशन का समझ में आ चुका है, तो रिडक्शन किसको बोलते हैं, तो सिंपल सा चीज है, रिडक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ अल्टरनेटिव एलिमेंट्स को हम रिडक्शन बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को भी हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तीन सौ का मतलब क्या होता है, चीजें रिड्यूज हो रही हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे हम देखें एग्जाम्पल, जैसे दे रहे हैं पे ध्यान देना, Fe3O4 एन एलुमिनियम में Fe3O4 से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और अल्मोनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। सिमिलरली Na+H2 गिव्स NH में, इसमें क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट, यानी क्या बोलेंगे, सोडियम का क्या हो रहा है, ठीक है, सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, यहाँ पे सोडियम अल्टीमेटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कंपेयर करोगे ना, ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ऊपर लोग क्वेश्चन रहा है ना, H2S है और क्लोरीन है, तो H2S से क्या हो रहा है, सल्फर बन रहा है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। और क्लोरीन में Cl2 में आप क्या देख रहे हो कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्या बोल सकते हैं कि Cl2 का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपके पुराने जूनियर क्लासेस के डेफिनेशन बेस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को पहचान रहे थे, ठीक है। बट हम लोग जो अब है, अब जो हम लोग सीखेंगे, तो हम लोग जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीखने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन, ठीक है। तो ध्यान देना, तो हमको अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना है, तो हम लोग जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो
मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है हम लोग को कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, जब भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो हम बोलेंगे प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो हम उसे बोलते हैं कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम जो भी लॉस यानी जो भी हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का बात करेंगे तो हमेशा बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन, इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमेशा बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान देना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब समझ आ गया आप लोगों को। इसी में एक टर्म और होता है, एक टर्म होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट या हम बोलते हैं रिडक्टेंट। तो जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है, जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा या उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्पीसीज विच लॉस इलेक्ट्रॉन या जिसका ऑक्सीडेशन हो उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो कैसा एजेंट होगा, तो खुद का चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस करेगा, तो इसका इसका काम होगा दूसरे को रिड्यूस करना, इसलिए बोलते हैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट या बोलते हैं रिडक्टेंट या बोलते हैं रिडक्टेंट। ठीक है, सिमिलर ध्यान देना, जिस जिसका रिडक्शन होगा तो खुद जिसका रिडक्शन होगा खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा। तो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या बोलते हैं ऑक्सीडेंट या बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो स्पीसीज विच अंडरगो रिडक्शन और गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेंट या बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन बोल रहे हैं ये डेफिनेशन बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बात कर रहे हैं, और यही सबसे ब्रॉडर डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप लोग को यही फॉलो करना है। ठीक है, जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसको ऑक्सीडेशन बोल दोगे, और जहां भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसको रिडक्शन बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर कभी भी आपके एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, कभी भी आपके एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, इसका मतलब है कि या तो इलेक्ट्रॉन उसमें आया होगा या तो गया होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि वेन एवर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट चेंजेज दैट मीन्स देर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा बात है कि किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, मस्ट हुआ होगा, या तो इलेक्ट्रॉन आया होगा या तो इलेक्ट्रॉन गया होगा। ठीक है, अब ध्यान ना, इलेक्ट्रॉन गेन क्या है कि लॉस क्या है कैसे पता करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका वो समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक नेगेटिव नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक नेगेटिव नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव नंबर होता है, तो जब भी तो आपके सामने नीचे में एक रियल नंबर लाइन यहाँ प्लॉटेड है। ठीक है, मैथमेटिक्स का रियल नंबर लाइन जो होता है ना उसको प्लॉट किया हुआ है। अब वो समझने की कोशिश क्या हुआ है कि रियल नंबर लाइन में आपका यहाँ पे इंटीजर्स को मैं प्लॉट किया हुआ, इंटीजर्स को। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव इंटीजर है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ प्लॉट किया हुआ है। तो मान लेते हैं कि अब जब सिस्टम में कुछ हम नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे, मान लेते हैं कि आप यहाँ पे हो, आप ओरिजिन पे हो, यानी अभी आपका वैल्यू जीरो है। मान लेते हैं कि आप माइनस, देखो वहां पे हम दो नंबर ले रहे हैं, हम एक माइनस वन नंबर ले रहे हैं। ठीक है, यानी मेरे पास माइनस वन है बहुत सारा, हम बोल रहे हैं कि माइनस वन अगर यहाँ डाल देंगे तो किधर मूव करेंगे, तो जीरो, अभी अब जीरो पे हो तो माइनस वन अगर ऐड करेंगे तो कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स माइनस वन मूव करेंगे, और माइनस वन ऐड करेंगे तो कहाँ मूव करेंगे, माइनस टू पे जाएंगे। तो माइनस वन अगर हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा सिस्टम कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। ठीक है, यानी जब भी कोई नेगेटिव नंबर हम ऐड करते हैं तो हम सिस्टम में जहाँ भी होंगे, मान लेते हैं यहाँ प्लस फाइव पे थे, प्लस फाइव में हम नेगेटिव नंबर माइनस वन को ऐड कर दिए तो कहाँ मूव करेगा, प्लस फोर मूव करोगे, फिर प्लस माइनस वन को फिर से ऐड कर दो कहाँ मूव करोगे, प्लस थ्री मूव करोगे। तो इसका मतलब सिंपल सा चीज़ है कि अब जहाँ भी होगे अगर नेगेटिव नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो आप मूव करते हो टुवर्ड्स लेफ्ट, आपका मूवमेंट होगा रियल नंबर टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी आप इधर की तरफ मूव करते हो।
ठीक है, तो जब भी नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तब इधर मूव करोगे, कहीं जहां भी हो, कहीं भी, अगर आप माइनस थ्री पे हो तो माइनस फोर मूव करोगे, ठीक है, तो आपका मूवमेंट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, कब, जब आप नेगेटिव नंबर को ऐड करते हो, ठीक, तो जब भी आप नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो मूव करोगे टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करोगे, ठीक है, और जब भी आप पॉजिटिव नंबर, जब भी आप नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, मान लेते हैं कि आप हो टू पे और टू से माइनस वन घटा रहे हो, तो टू से माइनस वन घटाएंगे तो माइनस वन क्या होगा, प्लस थ्री हो जाएगा, तो माइनस नंबर को घटाने का मतलब क्या होता है उसमें, तो वो टूवर्ड्स कहाँ मूव करेगा, अगर मान लेते हैं कि तुम अभी हो थ्री पे और उसमें से माइनस थ्री को घटाना है, यानी नेगेटिव नंबर को घटाना है, तो अगर नेगेटिव नंबर को तुम रिमूव करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो थ्री पे और माइनस थ्री को तुम हटाओगे तो कहाँ जाओगे, प्लस सिक्स पे आओगे, इन्हें बोलना क्या चाह रहे हैं कि आप अगर कहीं भी हो और नेगेटिव नंबर को आप हटाओगे यानी रिमूव करोगे तो आप टूवर्ड्स कहाँ मूव करते हो, टूवर्ड्स आप राइट साइड मूव करते हो, सिमिलरली यही ध्यान देना, ये लॉजिक बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक नेगेटिव नंबर, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक नेगेटिव नंबर, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो सिस्टम मूव करता है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, तो सिस्टम मूव करता है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, सिमिलरली अगर हम मान लेते हैं नेगेटिव नंबर को हम रिमूव करते हैं, तो हम कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स राइट, ठीक है, तो लॉस और रिमूव करेंगे मतलब हम मूव करें टुवर्ड्स राइट, और अगर गेन करें तो टुवर्ड्स मूव करेंगे लेफ्ट, ये याद रखना, अब ध्यान देना, अगर ये समझ में आ गया आपको तो बस यहाँ पे नीचे एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में एक एलिमेंट ए चूज किया गया है, उस पर ऊपर हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लें कि यहाँ पे ए प्लस थ्री लिखा हुआ है, तो ए प्लस थ्री से यहाँ देखोगे यहाँ से गया है ए प्लस थ्री से ए प्लस फाइव में, तो आपसे पूछा गया इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा गेन करेगा, तो देखना ध्यान ना कि प्लस थ्री से प्लस फाइव जाने में मूवमेंट कहाँ हुआ है, तो रियल नंबर लाइन में राइट मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स राइट, तो हमको पता है कि प्लस थ्री से प्लस फाइव में जाने में अगर मूवमेंट राइट हो रहा था यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, तो बोलोगे आप कि दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, सिंपली बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर ए प्लस थ्री से गया है ए माइनस थ्री में तो मूवमेंट क्या हो रहा है, प्लस थ्री से गया माइनस थ्री में, यानी मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका मतलब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड किए हो, कितना ऐड किए होगे, तो छः इलेक्ट्रॉन ऐड किए होगे, ठीक है, तो बाकी सब क्रॉस चेक कर लो यहाँ पे जहाँ भी एरो दिया हुआ है क्रॉस चेक करके मेरे को बताओ कि कहीं भी दिक्कत है कि नहीं है आपको, ठीक है, तो एक एलिमेंट ए चूज किया गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख चुके हैं और सब में लॉस गेन बताया हुआ है, तो क्रॉस चेक करके देखो कि सारा जो एरो है उसमें जो लॉस और गेन लिखा हुआ सही है कि सब क्या या फिर कहीं गलत भी है, ठीक है, कन्फर्म करके मुझे बस अब रिपोर्ट करो फास्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये सारा सही लिखा हुआ है, तो ध्यान है ना, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन को यूज करके हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे पहचानते हैं, ध्यान है ना, तो मान ले यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है सोडियम एन क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो NaCl फॉर्म करता है, तो इसमें ध्यान है ना, इस प्रोसेस में सोडियम का ऑक्सीडेशन शेयर जीरो था और क्लोरीन का भी जीरो ऑक्सीडेशन शेयर शुरू में, जब NaCl फॉर्म कर रहा है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो प्लस वन होगा और Cl का क्या हो माइनस वन होगा, आपको दिख रहा है कि सोडियम जीरो स्टेट से प्लस वन में गया, यानी सोडियम क्या हो इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, यानी सोडियम क्या हो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्लोरीन देखो क्लोरीन का जीरो स्टेट से कहाँ गया माइनस वन स्टेट में गया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसका मतलब क्या रहा है क्लोरीन का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक, इस तरीके से आप अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे क्या है सोडियम प्लस ओ टू गिव्स सोडियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे ध्यान देना कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है ओ टू का जीरो होता है, सोडियम ऑक्साइड में Na होता प्लस वन स्टेट में और O होता माइनस टू स्टेट में,
इसका मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब सोडियम का होगा ऑक्सीडेशन और O2 का होगा रिडक्शन, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको बोला गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है क्या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसका तरीका क्या बोला गया है कि सबसे पहले क्या काम करोगे आप सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन चेक निकाल लेना, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट, देन फाइंड एलिमेंट विच हैव चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना और फिर देखना कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर राइट मूव किया यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ऑक्सीडेशन बोलना, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिसका रिडक्शन होगा यानी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या होगा, रिडक्शन, उसका रिडक्शन होगा। और एजेंट कैसा कहलाएगा, तो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक। तो ध्यान देना, एक को क्रॉस चेक कर लेना आपको, ठीक है। यहां पे तीन क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप क्रॉस चेक कर लो कि पहला क्वेश्चन क्या है, MnO4-SO3-2 गिव्स Mn+2 एंड SO4-2, जिसमें ऑलरेडी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के सॉल्व कर चुके हैं, और क्रॉस चेक कर लो बस आप लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है MnO4-C2O4-2 गिव्स Mn+2 एंड CO2। एंड थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, डाइक्रोमेट आयन है Mn+NO2- आयन है गिव्स Cr+3 एंड NO3-, ठीक है। तो सारे केस में देख लो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एक बार फटाफट आप चेक करेंगे, ठीक है। जहाँ भी प्रॉब्लम हो मैं से पूछ लेना, आप लोग जिसको प्रॉब्लम हो रहा है पूछ लेना। रहना बच्चे लोग, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, MnO4-N-sulfide जब रिएक्ट करता है तो Mn+2 फॉर्म करता है और सल्फेट आयन फॉर्म करता है। इसमें ध्यान देना, पहले क्या करोगे, आपको पहचानना है किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना, आप MnO4 सबका सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रेट निकाल लें। तो Mn+7 है, सल्फर का +4 स्टेट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ Mn का स्टेट क्या +2 है, यहाँ पे सल्फर का क्या है तो +6 है। और ध्यान देना जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का स्टेट -2 है, तो -2 है तो हर जगह -2 ही रहेगा ना, ऑक्सीजन का तो -2 ही रहता है हर जगह। तो देखोगे इसमें ऑक्सीडेशन से चेंज किसका हो रहा है, चेंज हो रहा है Mn का, Mn गया है +7 से +2,
और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ गया, माइनस टू से माइनस टू में ही है, तो ऑक्सीजन में चेंज तो हो नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन से चेंज नहीं हुआ, Mn का चेंज हुआ है। सल्फर का देखो, सल्फर का प्लस फोर से गया प्लस सिक्स, तो भी चेंज हुआ है। अब ध्यान देना, Mn प्लस सेवन से प्लस टू गया तो क्या होगा, इसमें गेन हुआ है कितने का, पाँच इलेक्ट्रॉन का, यानी Mn यहाँ पे Mn ऑफ फोर का हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। और एक ऐसा स्पीसीज होगा तो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है बोलते हैं उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और यहाँ पर सल्फर जो है, सल्फर प्लस फोर से प्लस सिक्स में गया, यानी सल्फर का क्या हो रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और कैसा एजेंट होगा, ये एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट, इससे यहाँ पे आर ए लिखा हुआ है, यहाँ पे आर ए लिखा हुआ है, ठीक है। ये हुआ पहला क्वेश्चन, ठीक। सिमिलरली आप क्या होगा, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ था, यहाँ पे देखोगे इस क्वेश्चन में क्या, एम एन का प्लस सेवन से कहाँ गया प्लस टू में, एम एन इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एम एन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली ऑक्सलेट में सी टू फोर माइनस टू में कार्बन का प्लस थ्री स्टेट से क्या है, सी ओ टू का प्लस फोर स्टेट में, तो कार्बन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, अल्टीमेटली क्या होगा, तो इस केस में कार्बन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, और इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम असाइन करते हैं तो सिंगल आइटम के लिए असाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज असाइन फॉर एन एटम, एक किसी मॉलिक्यूल का नहीं होता है, किसी एटम का होता है, ठीक है। इवन जैसे मान ले कि यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7, तो यहाँ पे हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का निकालेंगे तो निकलेगा सिंगल क्रोमियम का, तो हम प्लस सिक्स जो लिख रहे हैं ना प्लस सिक्स, ये सिंगल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी वन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा असाइन होता है एक एटम के लिए, सिंगल एटम के लिए, ठीक। तो इसमें ध्यान हुआ है कि डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन सिक्स है और यहाँ प्लस थ्री है, इस प्रोसेस में क्रोमियम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और एन ओ टू माइनस, यानी यहाँ पे एन का स्टेट होगा प्लस थ्री और ये जा रहा है एन का स्टेट में प्लस फाइव में नाइट्रेट में, यानी कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान देना, तो हम लोग लॉस गेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पहचाना सीख चुके हैं। अब ध्यान दोगे, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो ध्यान देना, कुछ रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसको हम रिडॉक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू, चेक करोगे इसमें कार्बन का जीरो स्टेट से गया प्लस फोर स्टेट में और ओ का जीरो स्टेट गया माइनस टू स्टेट में, तो यहाँ पे चीज कंबाइन कर रहा है, बट टाइप क्या है, इसको रिडॉक्स, यानी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और उसका टाइप क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है, रिडॉक्स किसको बोलते हैं, ध्यान देना, तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जहां पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी अलग अलग नहीं होगा, अगर कहीं पे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो पक्का वहां पे कोई ना कोई रिड्यूस हो रहा होगा, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, दोनों साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई कहीं कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रॉन पक्का गेन कर रहा होगा, तभी तो लूज कर रहा है ना। तो अगर हम बोलेंगे कहीं पे सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा तो पॉसिबल नहीं है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो पक्का कोई ना कोई क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान देना। ध्यान दोगे तो टाइप ऑफ रिडॉक्स में हम क्या बोल देंगे, पहला क्या है, कुछ रिडॉक्स रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ रिडॉक्स रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल देंगे, जैसे वाटर को ब्रेक कर रहे हो, तो वाटर ब्रेक हो तो वाटर में ओ का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होता है और एच का प्लस वन होता है, जब ये ब्रेक करेगा तो दोनों का स्टेट जीरो जीरो चला गया, यानी इसमें ऑक्सीजन हो गया का ऑक्सीडेशन हो चुका है और एच का रिडक्शन हो चुका है, तो यानी कहीं ना कहीं ये भी एक रिडॉक्स है, ठीक है, ये भी एक रिडॉक्स है। KClO3 को ब्रेक कर रहे हैं KCl में O2 में, तो यहाँ पे जो आपका Cl है, Cl का प्लस फाइव स्टेट से गया है माइनस वन स्टेट में, तो Cl होगा रिड्यूस, और जो ऑक्सीजन है माइनस टू स्टेट से गया है जीरो स्टेट में, तो इसमें ऑक्सीजन हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है, रिडॉक्स का डिकम्पोजिशन टाइप है। इसमें ध्यान दोगे
अगला अगला टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में पहला बोला गया मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट तुम डालो जिंक को, तो जिंक ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होता है, तो जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो से चेंज होगा प्लस टू स्टेट में। कहाँ चेंज होगा? प्लस टू स्टेट में। तो जिंक को कहा हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दोगे जो कॉपर है, कॉपर का जो प्लस टू स्टेट है, कॉपर कहाँ गया है? कॉपर गया है जीरो स्टेट में, ठीक है। तो कॉपर होगा रिड्यूज, कॉपर होगा रिड्यूज। तो जो हाई रेटिव मेटल है और लो रेटिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, इसमें जो हाई रेटिव मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो लो रेटिव मेटल है जिसको तुम डिस्प्लेस कर रहे हो वो रिड्यूज हो रहा है, वो रिड्यूज हो रहा है। इसके अलावा एक होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल देख, सोडियम को डालते हैं पानी में, तो सोडियम क्या करता है? एच को डिस्प्लेस करता है और खुद आता है वाटर के साथ, यानी बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन होता है और एच रिड्यूज होकर जाता है H2 में, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें और भी बहुत सारे टाइप्स को आप देख लेना। इसमें इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी अपने पास है उसमें होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी अपने पास है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे हम? तो ध्यान देना डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो बोला गया है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी किसी एलिमेंट का जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो साइमल्टेनियसली क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है। यानी कोई एलिमेंट एक सिंगल स्टेट में होगा उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी एलिमेंट का रिडक्शन होगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी देखना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जैसे मान ले H2O2 है, तो H2O2 में क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो इसमें ध्यान देना इसमें O का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। तो इसको तुम ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करता है वाटर में और O2 में। तो ध्यान देना इसमें वाटर में O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है और O2 में कितना होता है? 0 होता है। तो देखोगे जो ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में उसका स्टेट -1 था, दोनों का वो -1 स्टेट से क्या आ गया? -2 में गया है, +1 एन 0 में गया है। यानी एक सिंगल स्टेट से यानी O का एक सिंगल स्टेट से राइट साइड में ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन बोल सकते हैं। सिमिलरली है ना जो P4 है, P4 बेसिक मीडियम में pH3 में जाता है, H2PO2- में जाता है। इसका मतलब P का जीरो स्टेट है, तो लेफ्ट साइड में P का जीरो स्टेट है, वहीं से क्या हो रहा है? सेम स्टेट से pH3 यानी -3 जा रहा है एंड H2PO2- मतलब +1 जा रहा है। तो फॉस्फोरस एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। इसको भी डिसप्रोपोर्शनेशन बोल सकते हैं। तो आप लोग को डिस्प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल याद करने के लिए आपको तरीका समझाया हुआ है। रिएक्शन कभी कभी पूरा नहीं रहता तो आपको रिएक्शन सोचना पड़ेगा। तो ध्यान है ना जब भी हैलोजन को डालोगे बेसिक मीडियम में, क्या डालोगे? बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम का जो कंडीशन होगा कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा। क्या होगा? कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा। जब भी आप हैलोजन को डालोगे बेसिक मीडियम में और बेसिक मीडियम का जो कंडीशन है वो कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा, तो उस केस में ये डिसप्रोपोर्शनेट करता है, ये डिसप्रोपोर्शनेट करेगा और बनेगा X- and XO-, ठीक है। इसमें हैलोजन क्या होगा? तो हैलोजन कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलोजन कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक। तो जो X2 है, X2 बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट करेगा किसमें? X माइनस में एंड XO माइनस में, ठीक। सिमिलरली अगर मानते हैं कि हैलोजन में अगर तुम मीडियम को बेसिक कर दो और सिस्टम को हॉट कर दो और कॉन्सेंट्रेशन हाई कर दो, यानी बेसिक मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, उस केस में भी डिसप्रोपोर्शनेशन होगा और हैलोजन जाएगा X माइनस में XO3 माइनस में,
तो ध्यान देना, अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे हेलोजन का स्टेट जीरो स्टेट है, यहाँ पे माइनस वन स्टेट है और यहाँ पे प्लस वन स्टेट है। नीचे वाले रेशियो में चेक करना, तो यहाँ पे जीरो स्टेट है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन स्टेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस फाइव स्टेट होगा, क्या होगा, प्लस फाइव स्टेट होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, अब ध्यान दोगे जो P4 है तो P4 बेसिक मीडियम में क्या बनेगा, तो PH3 बनेगा, NH2PO2- बनेगा। ये भी याद रखना कि बेसिक मीडियम में जो फॉस्फोरस तत्व बनाता है PH3 NH2PO2- बनाता है। ये सब आपको याद कर लेना रिएक्शन, इसको याद कर लेना कि घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। और कभी कभी रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन का पॉइंट आपको देगा नहीं, तो पॉइंट आपको याद नहीं रहा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। तो पॉइंट को भी याद रखना आपका काम है। जो सल्फर होता है, सल्फर को बेसिक मीडियम डालोगे तो जिस प्रोपोर्शनेट करके बनाता है एस माइनस टू एन एस टू ओ ओ थ्री माइनस टू बनाता है, ठीक है। ये ध्यान देना, एस टू ओ टू डिसप्रोपोर्शनेट करता है तोड़ने पे, तो क्या बनेगा, एस टू बनेगा ना ओ टू बनता है, ठीक है। सिमिलर ध्यान देना, HG2Cl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड में अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ये भी इस मर्करी का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है और फॉर्म करता है HgNH2Cl, ठीक है। इसमें Hg का होता है प्लस टू स्टेट, क्या होता है, प्लस टू स्टेट होता है, ठीक। और साथ में मर्करी का एक जीरो स्टेट फॉर्म करता है, तो मर्करी का जीरो स्टेट जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके कारण सिस्टम ब्लैक होता है, क्योंकि मर्करी का जो कलर होता है ब्लैकिश होता है थोड़ा सा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मर्करी जीरो स्टेट ए सिस्टम ब्लैकिश बनेगा। और साथ बन गया NH4Cl, साथ बन गया NH4Cl, ठीक है। अब ध्यान देना, जो I2 होगा, I2 में डालेंगे हम, I2 में हम ऐड करेंगे AgNO3, ठीक है, एक्सेस में, और वाटर रहेगा, ठीक है। तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट करता है और बनेगा AgI3 बनेगा। याद कैसे करोगे, तो ध्यान ना जो I2 उसको भेज देना I माइनस में एंड I3 माइनस में, ठीक है। तो I माइनस में I3 में माइनस में जाएगा तो जो Ag का कटायन है उसमें जोड़ दो बस, तो AgI AgI3 फॉर्म करेगा। और जो है नाइट्रेट है, जो Ag नाइट्रेट है उसको भेज देना उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में, यानी वहाँ पर H ऐड कर देना तो जाएगा नाइट्रिक एसिड में, ठीक। यानी I2 प्लस AgNO3 एक्सेस में ये बनेगा AgI AgIO3 बनेगा, और जो नाइट्रेट आयन हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में। और अगर I2 को एक्सेस डाल दोगे तो यहाँ पे जो IO3 माइनस था उसमें भी H जोड़ देना, यानी यहाँ पे AgI बनेगा और HIO3 बनेगा, HO3 फॉर्म करेगा। यानी ऊपर वाले से डिफर कहाँ करते हैं, जो Ag था उसमें H जोड़ दिया गया, उसमें H जोड़ दिया गया है, कब, जब I2 एक्सेस में होगा, जब I2 एक्सेस में होगा, ठीक है। तो कुछ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसको आपको याद करना है कि पॉइंट फॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर एक होता है कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या होता है, कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स, उल्टा। जैसे मान ले SO4 है, SO2 है, NH2S है, इसमें क्या है, सल्फर का प्लस फोर स्टेट है, सल्फर का माइनस टू स्टेट है, दोनों अलग अलग स्टेट है सल्फर का, और दोनों रीड करके आप बनता है S, इसमें H2S से सल्फर ऑक्सीडेशन हो रहा है और SO2 से सल्फर क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, दोनों का अलग अलग स्टेट से सल्फर कॉमन स्टेट जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी डिस्प्रोपोर्शन का रिवर्स, डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा, इसको बोला गया है कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रहेगा ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिएक्शन टाइप, रेडॉक्स कलर टाइप क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे मुझे बच्चे लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।